वाव यम्मी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड टिप्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार से बीफ रेशा कबाब, जो बहुत मज़े के बनते हैं। बनाना शुरू करते हैं बीफ रेशा कबाब। सबसे पहले मैं कुछ इंग्रेडिएंट्स, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, वो बता देती हूँ। ये मैंने गोश्त लिया है बीफ का, और ये कुछ बोनलेस है और कुछ के अंदर जो हैं वो हड्डियाँ वगैरह हैं जो हम बाद में निकाल लेंगे। और ये मैंने 3 पाव दाल ली है और 3 पाव ही मैंने गोश्त लिया है। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए सोख कर दिया था। अब ये मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और इसमें मैं गोश्त शामिल करूँगी। गोश्त मैंने डाल दिया है, अब इसमें दाल शामिल करेंगे। ये मैंने दाल भी शामिल कर दी है और ये मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, ये मैंने डाल दिए। 2 अदद ही मैंने टमाटर लिए हैं, ये मैंने शामिल कर दिए। और अब आ जाते हैं मसालों की तरफ। ये मैंने लहसुन लिया है और ये अदरक मैंने चॉप किया है। लहसुन मैंने साबुत लिया है क्योंकि ये प्रेशर कुकर में वैसे ही आराम से इजीली ये गल जाएगा, तो इसकी बजाय आप 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। और ये 2 टेबलस्पून जो है ये मैंने साबुत धनिया लिया है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है साबुत धनिया से। और 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 2 बड़ी इलायची ली हैं, 6 अदद लौंगे ली हैं और कुछ ये मैंने गोल वाली रेड चिली ली हैं, बटन चिली जिसे कहते हैं। ये सारा कुछ शामिल कर देंगे। 1.5 टेबलस्पून इसमें मैं नमक डालूंगी, हल्दी जाएगी 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च भी जाएगी 1 टेबलस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टेबलस्पून, पिसी हुई काली मिर्च भी 1 टीस्पून। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, 1 गिलास डाला है, ये 2रा गिलास, ये 3रा और ये 4था, ये 4 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको मैं लिड लगा के तो पकने के लिए रख दूँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से जो है वो इसको टाइम लगाएंगे। मेरे प्रेशर कुकर में 20 मिनट में इजीली ये रेडी हो जाएगा। आफ्टर 20 मिनट्स जो है वो ये देखें मैंने निकाल ली है, दाल भी हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है ये देखें, और जो है गोश्त भी हमारा बहुत अच्छे से गल गया है। तो अब जो है इसकी जो हड्डियां हैं कुछ अंदर इसके, ये मैं निकाल लूँगी, इसको ठंडा कर लूँगी और इसकी हड्डियाँ निकाल लूँगी, फिर इसके बाद हम इसको पीसेंगे। हमने रेशे वाले कबाब बनाने हैं तो इसलिए मैं कुंडी का यूज़ करूँगी, हम चॉपर में नहीं पीसेंगे इनको। सिल पे पीस लें, कुंडी में पीस लें, तो इसको इसकी हड्डियाँ मैं अलग कर लेती हूँ और इसके बाद जो है हम इसको पीसते हैं। फिर ये मैंने जो हड्डियाँ हैं वो भी निकाल ली हैं, और दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंगें थी वो भी निकाल ली हैं। अब हम इसे जो है वो पीसते हैं, कूटते हैं इसको। ये कूड़ी लिया मैंने और ये इसमें डालेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि आसानी से इसको पीस लें इस तरह से। ये तो आप सबको पता ही होगा कि किस तरह से पीसना है। इसमें इसलिए पीसेंगे कि ये जो है ना, फिर इसके गोश्त के जो हैं वो रेशे रेशे बनेंगे। अगर चॉपर में पीसेंगे तो वो तो फिर रेशे रेशे नहीं बनेंगे, तो ये है ही रेशा कबाब, तो इसलिए हम जो है इनको इस तरह पीसेंगे। ये देखें आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने पीस लिया है सारा। अब मैं पहन लेती हूँ ग्लव्स क्योंकि मुझे करना है थोड़ा इसको मिक्स। तो ये देखें, ये इस तरह से रेशे रेशे बने, ठीक है। ये देखें, अच्छा
अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे ये 1 टेबल स्पून जो है चाट मसाला है, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला है। ठीक है, आप अकेला चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अकेला टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, और इन दोनों के बगैर भी बना सकते हैं। वैसे भी हमारे कबाब जो हैं बहुत मज़े के बनेंगे अगर आप ये दोनों मसाले नहीं डालेंगे तो। अच्छा, अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों और धनिए का पेस्ट, 2 टेबल स्पून डाला है मैंने, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डाल सकते हैं। और इस स्टेज पे आके नमक भी आप चख लेंगे, तो मेरा नमक जो था वो थोड़ा कम था तो मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून, क्योंकि मिक्सचर जो था वो ज़्यादा था, तो अब हम इसे कर लेंगे मिक्स। अब ये देखें मेरी दाल जो थी वो थोड़ी ड्राई ड्राई थी। अब इस स्टेज पे इसके अंदर भी हम अंडे शामिल कर सकते हैं तोड़ के, और जो है हम बाद में भी फ्राई कर लेंगे। अगर तो आपका मिक्सचर बहुत ज़्यादा स्टिकी है तो आप अलग कबाब बनाने के बाद जो है वो उसमें अंडे में डिप करके फ्राई कर लें, और अगर इस तरह का मिक्सचर है आपका जैसे ये मेरा ड्राई है तो मैं अंडे जो है वो अंदर ही तोड़ के डाल लूँगी। ये 3 अंडे ये अंदर डाल देते हैं। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है, और आपको इसके मैं रेशे दिखाती हूँ। अब ये देखें, चलिए अब इसके कबाब बना लेते हैं। आप चाहे तो हाथों को ऑयल या फिर पानी लगा सकते हैं, जिस साइज़ के आप बनाना चाहें बना लें। ये देखें इस तरह से सारे बना लेंगे। ये देखें ये मैंने इस तरह से कबाब बना लिए हैं, और ये अभी मेरा काफ़ी सारा मिक्सचर पड़ा हुआ है तो इन सबको जो है वो कुछ मैं बना लूँगी, बनाऊँगी सबके, लेकिन इनको बना के मैं फ्रीज़ कर लूँ, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत होगी मैं निकाल कर इनको फ्राई कर लिया करूँगी। ये सारे कबाब बना लेने के बाद इस तरह से मैंने एयरटाइट कंटेनर में रखे हैं, ऊपर मैंने शीट्स रख ली हैं, और इस तरह से ये मैं फ्रीज़ कर दूँगी। कबाब फ्राई करते हैं आप। अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम इसके अंदर जो है वो अंडा डाल चुके हैं। पलट लेते हैं आप। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हमारे कबाब, अंडा लगाए बगैर हम जो है इनको फ्राई कर रहे हैं। निकाल लेते हैं इनको। ज़बरदस्त से हमारे रेशा कबाब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको बआसानी मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।